ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त। मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, जब देश भर से पलायन चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुक कर इस देश को और मजबूती से कैसे लड़ाया जाए योगदान दिया। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कर दी। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बना कर रहे। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर लड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त। क्या फ्री प्लान का भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा फ्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नगेंद्र बिजारनिया जो एस पी लिवाणी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी, और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना थी हमारे पास। केंद्र से एक अतिरिक्त बल मानने के भी, अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 12 हमारे 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, ITBP के, CRP के और BSF के डिप्लॉय हो गए, तो मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू माने, सर इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बरगलाने की कोशिश की, जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल करे, होता हो सुरजेवाला हो, तो पूरे मामले पर सरकार पर आरोप पड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त।